एक समय की बात है, मलकपुर नाम के गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को अजीब अजीब शर्तें रखकर भाई ठेके पर देता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल शंकर को जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो शर्त ये होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% शंकर की। फसल आने के बाद अच्छी फसल खुद के पास रखता और खराब फसल शंकर को दे देता। भाई शंकर इस वजह से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन शंकर का बेटा मनोहर शहर से छुट्टियों में घर आया और अपने पिताजी की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वो खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। मनोहर ये पिताजी से बोलकर जमींदार के पास गया। आओ आओ मनोहर, पिताजी नहीं दिख रहे? पिताजी की तबीयत खराब है, तो अब से मैं ही खेती का काम संभालूंगा। आप बताइए, इस साल आपकी क्या शर्त है? इसके बाप को तो आज तक उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचवाऊंगा। चलो अच्छा है मनोहर, इस साल तुम जो भी फसल लाओगे उसके ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। मनोहर खेत में जाके बीज बोता है और अच्छी तरह से वही खेती की देखभाल करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है और 3 महीने बाद जमींदार मनोहर के पास फसल का हिस्सा लेने के लिए आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में जो घास है वो आपका हिस्सा है, ले जाइए। इस समय मैंने मूंगफली की खेती की है, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका। भाई जमींदार को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है, ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर जमींदार मुंह लटका कर भाई घर चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार मनोहर को बुलावा भेजता है। अरे मनोहर, तुझे सेठ जी ने याद किया है। अच्छा, चलो आप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई इसके बाद मनोहर जमींदार के घर जाता है। कैसे हो मनोहर, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी, मैं आपके पास आने ही वाला था। अच्छा देखो बेटा, इस समय शर्त थोड़ी अलग है, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। भाई मनोहर ने हाँ की और वहां से चला गया। खेत जाकर उसने फसल लगाई और 3-4 महीने बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने खेत पहुंचा, आइए सेठ जी, लीजिए आपका हिस्सा, मैंने गेहूं लगाए थे तो शर्त के मुताबिक ये जमीन के नीचे की जड़ें आप रख लीजिए, मेरा ऊपर का हिस्सा मैं लेकर जा रहा हूँ। भाई ये सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो जाता है और मनोहर को कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तो अब इस समय भी मैं तुमको मेरी खेती देता हूँ और शर्त ये है कि जमीन के ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा, बीच का तुम्हारा। बोलो मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस समय अगर आप हार गए तो आप किसी भी गरीब किसान को उसका हिस्सा बराबर दोगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। हाँ हाँ मंजूर है। वही 4 महीने बाद जमींदार फिर से खेत में जाता है और मनोहर की गन्ने की खेती देखकर हैरान हो जाता है। लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर का और नीचे का हिस्सा, आपको शर्त याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं किसी के साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करूंगा। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है, बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी, किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद किस बात के लिए बेटा? पिताजी आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाए। वाह क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं,
गिरधरीलाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है, धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी, बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मैं तो सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है, जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या, हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है, ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहाँ पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है, आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ ना कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना ना कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे।
किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुनके किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियाँ मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा, लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था, मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना, चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना, आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर, मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है, आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुनके उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों, तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पाँव कांपने लगे, और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़के को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो, तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिसके मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो, अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया, इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड, चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है, काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर, ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुलटका कर रहोगे, तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं, जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है, अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं, मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को, अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं, दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4,000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है, कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटे बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों के खरीदी की रिसिट खो दी है या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसिट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2,000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है, उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है, उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। बेटा क्या हुआ, कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया।
सुधीर की बात सुनके उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए, ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है, उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी, मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ।